नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने कहा, तहसील दिवस में अधिकतर मामले आए भू विवाद से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने नागरिकों से की अपील, कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का ना करें इस्तेमाल, प्लास्टिक से होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियां। पांच पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिया गया प्रशिक्षण। एसपी सिटी ने कहा, टीम की वीआईपी कार्यक्रम व संदिग्ध स्थानों पर लगेगी ड्यूटी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, रैली के माध्यम से प्लास्टिक को नहीं यूज करने के लिए किया जाएगा जागरूक। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महापौर सीताराम जायसवाल व उनकी टीम के द्वारा 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजे के साथ माल्यार्पण कर किया सम्मान। कहा, सीसीटीवी कैमरा से शहर में होने वाले अपराध पर लगेगा लगाम, अपराधियों में डर होगा व्याप्त। और नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने पदभार किया ग्रहण। कहा, शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% करवाया जाएगा पालन। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने बताया कि तहसील दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए, जिसमें कुछ मामले में दूसरे की जमीन पर दूसरा किसी व्यक्ति ने बैनामा करा लिया है और एक जमीन की दो दो व्यक्तियों ने रजिस्ट्री करा ली है, जिसके निस्तारण के लिए राजस्व व पुलिस विभाग की टीम बनाकर जाँच के निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि तहसील दिवस में आए सभी मामलों का 100% निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, ये नहीं है।
अलग टाइप के हैं, मतलब कुछ लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड हैं, कुछ बैनामा किसी का है तो कब्जा है, उसके बाद कुछ ब्लॉक से विकास के संबंध में जिसका कोशिश कर रहे हैं बात करते हैं। अधिकतर जैसे अभी जो मैंने 5-10 एप्लीकेशन देखा है उसमें 3-4 लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने पर कहा कि जल जमाव, गंदगी, बदबू को बढ़ावा देने में सिंगल यूज पॉलिथीन का अहम योगदान होता है। वहीं छुट्टा मवेशी इनमें देखे गए खाद्य पदार्थों को खाकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर असमय काल के गाल में समा जाते हैं, जिसको लेकर शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस पर रोक आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा, जागरूक करके मोटिवेट करते और जो भी जनपद में 5 पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में सुरक्षा को देखते हुए 5 टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मुर्तजा अब्बासी द्वारा गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश में मंदिर में लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया गया था, जिसको देखते हुए 5 QRT टीम का गठन हुआ है। हर QRT टीम में एक उपनिरीक्षक व 4 कांस्टेबल शामिल होंगे। इन 5 QRT टीम को गोरखा रेजिमेंट द्वारा खुखरी, चाकू सहित अन्य प्रकार के हथियार को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। यह ट्रेनिंग 3 दिनों तक चली है। अब QRT टीम VIP कार्यक्रम या अगर कोई घटना होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, मुझे एक और कोई वॉलंटियर चाहिए, नया लड़का कोई। Very nice. Okay. Can we recover?
जनपद गोरखपुर में मुख्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मुर्तजा द्वारा जैसे आतंकी हमले गोरखनाथ मंदिर में एवं सीएम सिक्योरिटी एवं विभिन्न प्रकार के वीवीआईपी कार्यक्रमों को देखते हुए 5 क्यूआरटीज का गठन हुआ है। उन 5 क्यूआरटी में एक सब इंस्पेक्टर लेड टीम होगी, जिसमें 4 जो है कॉन्स्टेबल होंगे एवं एक सब इंस्पेक्टर होगा। ये 5 क्यूआरटी को गोरखा रेजिमेंट द्वारा जो गोरखपुर में पोस्टेड हैं उनके एनडीए एवं मिलिट्री से स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्राप्त लोगों द्वारा इनको खुखरी चाकू एवं बाकी अन्य प्रकार के हथियार वेपन हैंडलिंग के साथ में इनको ट्रेनिंग दी गई है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी इनको 3 दिवस का स्पेशलाइज्ड कैप्सूल जिसमें उन लोगों द्वारा ट्रेनिंग की गई है। अब ये लोग ट्रेनिंग पाके जब जब कोई भी वीवीआईपी प्रोग्राम होगा एवं अन्य किसी इस प्रकार की कंटिजेंसी या घटना की स्थिति में ये लोग तुरंत मौके पर पहुँच कर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और ये क्यूआरटी आज से ऑपरेशनल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेस व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने कहा तहसील दिवस में अधिकतर मामले आए भू विवाद से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने नागरिकों से की अपील, कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का न करें इस्तेमाल, प्लास्टिक से होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियां। 5 पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिया गया प्रशिक्षण। एसपी सिटी ने कहा टीम की वीआईपी कार्यक्रम व संदिग्ध स्थानों पर लगेगी ड्यूटी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा रैली के माध्यम से प्लास्टिक को नहीं यूज करने के लिए किया जाएगा जागरूक। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महापौर सीताराम जायसवाल व उनकी टीम के द्वारा 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजे के साथ माल्यार्पण कर किया सम्मान, कहा सीसीटीवी कैमरा से शहर में होने वाले अपराध पर लगेगा लगाम, अपराधियों में डर होगा व्याप्त। और नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने पदभार किया ग्रहण, कहा शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत करवाया जाएगा पालन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेस व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने कहा तहसील दिवस में अधिकतर मामले आए भू विवाद से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने नागरिकों से की अपील, कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का न करें इस्तेमाल, प्लास्टिक से होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियां। 5 पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिया गया प्रशिक्षण। एसपी सिटी ने कहा टीम की वीआईपी कार्यक्रम व संदिग्ध स्थानों पर लगेगी ड्यूटी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा रैली के माध्यम से प्लास्टिक को नहीं यूज करने के लिए किया जाएगा जागरूक। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महापौर सीताराम जायसवाल व उनकी टीम के द्वारा 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजे के साथ माल्यार्पण कर किया सम्मान, कहा सीसीटीवी कैमरा से शहर में होने वाले अपराध पर लगेगा लगाम, अपराधियों में डर होगा व्याप्त। और नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने पदभार किया ग्रहण, कहा शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत करवाया जाएगा पालन। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं
ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापौर सीताराम जायसवाल ने शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को नगर निगम प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंक दें। यह कार्य करके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। शनिवार को एनसीसी के छात्र व छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर में प्लास्टिक न यूज करने के लिए जागरूक करेंगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एनसीसी के छात्र व छात्राएं सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, समझ गया पूरी। तो आज की जो रैली है हमारी, इसी के ऊपर आधारित है। हम लोग यहाँ से एक रूट है जो हमें मिला है, जो हम यहाँ से इस रूट से लेके जाएंगे और पूरे को जागरूक करेंगे। खुद जागरूक हुए और खुद आप लोग को हम लोग जागरूक दूसरों को करेंगे। और आने वाले में ये एक वन टाइम मेजर, उसी तरह पॉलिथीन के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान सरकार चला रही है। हमारा सबका फर्ज, आप भी सब लाइन में हो जाओ, सब उधर पता रहे सभी को, ये दूरदर्शन वाले हैं आप लोग, ये इसको कवर कर रहे हैं आपको नेशनल न्यूज़ में। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग सरकार का साथ दीजिए और इसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी से सरकार कार्रवाई कर रही है। इसमें जुर्माने के तमाम प्रावधान है। अगर 100 ग्राम का एक बैग मिलता है, कितना है साहब? 1000। ये इसका जो फाइन है 100 ग्राम पे 1000 से स्टार्ट है, 1000 से फिर 2000, फिर 5000, फिर 10000 और फिर 25000। अगर 5 किलो हमने पॉलिथीन पकड़ी तो 25000 बस ये इसका जुर्माना हम लोग लगाते हैं और साथ में इसको जब्त करते हैं वहां से लेके। इसका तुमने पता है ये पॉलिथीन बनती कैसे? कोई एक आदमी बताए, बोलो, किसी को पता है पॉलिथीन बनती कैसे? ठीक, किसने पढ़ी है बताओ? सब आप लोग को पता है, जितने साइंस ग्रेजुएट है उसमें कोई साइंस वाले कितने बच्चे हैं? ये पेट्रोलियम का एंड प्रोडक्ट है,
तेल बनता है, तेल लेकर पेट्रोल बनता कैसे है ये बताओ, डीजल बनता कैसे है, कोई एक आदमी कोई बच्चा बताओ। पहले रेगिस्तान भी कभी हरियाली वाला देश होता था, आज वो रेगिस्तान क्यों हुआ, कि उस सब की सबंदर चली गई और वो तेल उसी से तेल निकल रहा है। तो ये जो जो ये है एक एंड प्रोडक्ट है उसका पॉलिथीन का, मतलब जो प्लास्टिक का, उसी से ये पॉलिथीन बनती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये बड़ा अभियान सरकार ने चलाया है और गोरखपुर में नगर निगम इस पर अभियान चलाता है। ये परिवर्तन दल की टीम है, ये हमारी टीम है, मैं उसको लीड करता हूँ और हमारे यहाँ सब के सब इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इस पर चलान का प्रावधान है, अभी नया जो प्रावधान आया है, 1 साल उसके 7 साल की जेल और 1,00,000 रुपया जो उसका प्रोडक्शन करेगा उसके खिलाफ क्या होगा, 7 साल की जेल और 1,00,000 रुपया जुर्माना। तो ये बारिश का समय है, हमारे मेयर साहब आ गए, एक तरफ से बोलो सर आपको जैन करेंगे, आपको दिखा देना चाहिए सब पीछे जोश कैसा है? हाय सर। नो हाउ द जोश? हाय सर। चलो चलो और बोलते जाओ, से नो टू एक नारा देते जाओ, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक बोलो, आवाज आनी चाहिए, अरे अकेले मेरी आवाज आ रही है। गोरखपुर ने जाना है, प्लास्टिक को हटाना है, गोरखपुर ने जाना है, प्लास्टिक को हटाना है, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू शोक, गोरखपुर ने जाना है, प्लास्टिक को हटाना है, बोले लो बिल्डिंग का, प्लास्टिक को हटाना है, से नो टू प्लास्टिक, टू प्लास्टिक, गांधी को टप्पा हो गया यहां पे, प्लास्टिक से मुक्त कराना है। हेलो ओपी, देखिए रोड हम फाइन पीछे भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है,
इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है। हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल बाहर करें। इस तरह से करके हम धरती को बचा सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। आज नगर निगम की तरफ से एनसीसी के बच्चों के द्वारा जागरूकता के लिए पूरे शहर में ये अभियान चलाया गया है, बैठ जाकर के जागरूक करेंगे लोगों को और बताएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को कितना खतरा है। इसी के तहत नगर आयुक्त हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके नेतृत्व में ये जुलूस निकाल कर लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी से कहूँगा इस अभियान में सहभागी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महापौर सीताराम जायसवाल के द्वारा 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर माल्यार्पण कर बैंड बाजा के साथ सम्मानित किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत हम लोग पूरे जोन में प्रयास कर रहे हैं कि सभी चौराहों पर नागरिकों के माध्यम से सीसीटीवी लगे, जिसको देखते हुए स्वयं नागरिक अब सामने आ रहे हैं और चौराहों को गोद लेकर सीसीटीवी लगवा रहे हैं। जल्द ही हम लोग सीसीटीवी कैमरा से शहर को लैस कर देंगे, जिसको देखते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह व उनकी टीम ने 10 जगहों पर कैमरा लगवाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसको देखते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह व उनकी टीम का बैंड बाजे के साथ माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा उम्मीद है कि जल्द ही सभी जगहों पर लोगों के सहयोग से कैमरा लग जाएगा और क्षेत्र के पार्षद से भी अपने वार्ड में कैमरा लगवाने के लिए बैठक की जाएगी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद अजय राय, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जल्दी
नई नकली तकनीकें विकसित हो रही है, उसी के तहत हमारे डीजी साहब ने पूरे जनपद में जन सहयोग से त्रिनेत्र मतलब कैमरा लगा करके पूरे शहर को आच्छादित करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। पहले तो इन्हें मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम लोगों ने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि तीन नेत्र वाले सिर्फ अपने एक ही देवता हैं और वो हैं शंकर भगवान। उनके त्रिनेत्र से कोई नहीं बच सकता। उसी तरह गोरखपुर में भी जो त्रिनेत्र लगाए जा रहे हैं इससे भी कोई अपराधी नहीं बच सकता। इस तरह के कैमरे लगाए जाते हैं, इसमें सभी को जन सहयोग करना चाहिए। हम आईडी साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में वहाँ के पार्षदों के माध्यम से हम लोग मोटिवेट करके हर जगह प्रमुख चौराहों पर जहाँ आप निर्देश देंगे कैमरा लगाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे सभी पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें और इनके सहयोग से हम शहर को अपराध मुक्त कर सकते हैं। इस तरह का अभियान एडीजी का बहुत ही सराहनीय है। जय हिंद। देखिए, त्रिनेत्र अभियान के तहत हम लोग हमारे गोरखपुर शहर और जनपद में और पूरे जोन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीसीटीवी नागरिकों के माध्यम से लगे और स्वयं नागरिक अब सामने आ रहे हैं। काफ़ी संख्या लोगों में इसमें उत्साह दिख रहा है और अगर अब जल्दी हम लोग शहर को पूरी तरह से लैस करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी जो हमारा अभियान है उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति और ऊर्जा आज नगर निगम में महापौर जी ने दी है, नगर आयुक्त जी ने दी है, जिन्होंने अपने रिसोर्सेज से इन्होंने 10 जगहों पे प्रथम चरण में कहा है कि सीसीटीवी लगाएंगे। हमारे इस अभियान में एक हमें एक नई दिशा नई ऊर्जा मिली है नगर निगम में महापौर जी की अध्यक्षता में पूरी नगर निगम टीम की गोरखपुर के, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। महापौर जी लोकप्रिय हमारे मेयर हैं और उनकी पूरी टीम ने इस प्रयास को सराहा है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस उनके इस उत्साहवर्धन से हमारी ये जो दिशा है और तेज़ी पकड़ेगी और हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम शहर के अन्य भागों में पहुंचेंगे। हम जल्दी ही हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, उनके साथ भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करें और इस मिशन में जुड़े। मैं पर्सनली महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को और पूरे नगर टीम में हमारे जो पार्षद हैं और जो अन्य अधिकारीगण हैं उनको साधु धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रयास में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हमें और हमारे इस जो अभियान है उसमें इससे हमें और गति मिलेगी। धन्यवाद। नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले रायबरेली, बनारस, जौनपुर, आगरा में एसडीएम के रूप में सेवा दे चुका हूं। शासन ने अच्छे कार्यों को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में गोरखपुर में पोस्टिंग की है। उन्होंने कहा, शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगा उसको भलीभांति पूरा किया जाएगा। समाज के निचले पायदान तक शासन की योजनाओं को पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा शहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाएगा और शासन के द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को ज्ञापन देना होगा तो वह सामान्य रूप से ज्ञापन दे सकता है, उनके ज्ञापन को लेकर संबंधित को भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने कहा, तो इससे पहले कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पे कार्य करें? मैं
से पहले रायबरेली, बनारस, जौनपुर और आगरा में एज ए एसडीएम अपनी सेवा दे चुका हूँ। ये यहाँ पे मेरा प्रमोशन होके मैं एज सिटी मजिस्ट्रेट परसों मैंने ज्वाइन किया है और मेरा यही दायित्व है कि जो भी शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिले मैं उसे भलीभांति पूरा करूँ, जन सामान्य तक जो विकास की योजनाएँ हैं उनको पहुँचाऊँ, शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखूँ और जो भी जिले स्तर से मुझे दायित्व दिए जाते हैं उनको पूरी तरीके से पूरा करूँ। साथ सीएम सिटी है यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियाँ नहीं उनके लिए मतलब है कि जो भी पूर्व में सिस्टम बने हुए होंगे उनको मैं समीक्षा कर लूँगा और ये प्रयास रहेगा कि कहीं भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न रहे। ज्ञापन देने जो है संवैधानिक अधिकार है तो उसके अंतर्गत मतलब है कि प्रयास ये करेंगे किसी प्रकार की जन सामान्य को ज्ञापन के विषय में समस्या न रहे। ज्ञापन के जो प्रोसेस है लेने का जो चीज़ें हैं उसको मतलब भली बात ही पूरा करने का वो रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेस व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जिला अधिकारी ने कहा तहसील दिवस में अधिकतर मामले आए भू विवाद से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने नागरिकों से की अपील, कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का ना करें इस्तेमाल, प्लास्टिक से होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियां। पांच पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिया गया प्रशिक्षण। एसपी सिटी ने कहा टीम की वीआईपी कार्यक्रम व संदिग्ध स्थानों पर लगेगी ड्यूटी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा रैली के माध्यम से प्लास्टिक को नहीं यूज करने के लिए किया जाएगा जागरूक। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महापौर सीताराम जायसवाल व उनकी टीम के द्वारा 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजे के साथ माल्यार्पण कर किया सम्मान, कहा सीसीटीवी कैमरा से शहर में होने वाले अपराध पर लगेगा लगाम, अपराधियों में डर होगा व्याप्त। और नवागत सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने पदभार किया ग्रहण, कहा शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत करवाया जाएगा पालन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।